मैं नीरज और आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल में जिसका नाम है टेलीमेट्रीज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम अपने ट्रांजेक्शन या जो एंट्री हम करते हैं उसको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनी में। ओके, तो आज हम वो सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो कंपनी है, एक रे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, एक नीरज प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे देख सकते हैं नीरज प्राइवेट लिमिटेड में लिखा है नो वाउचर एंटर, और यहाँ पर रे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि यहाँ पर 13 अप्रैल से पहले कोई एंट्री की जा चुकी है, बट जो लास्ट ट्रांजेक्शन वो 13 अप्रैल को है। तो हम एंट्री को कैसे ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट करना सीखे, तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री कहाँ से एक्सपोर्ट होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है रे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की डे बुक पे। तो डे बुक पे जाने के लिए आप डिस्प्ले पे जाइए और डे बुक पे जाइए, और जिस डेट तक तो आपको ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट करना है उस डेट को ले लेना है। तो जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास 4-5 यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, एज ए डेमो मोड में दिखाता हूँ। ठीक है, डेमो मोड चले। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इस कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस ई प्रेस कर दीजिए, या इस कीबोर्ड के बटन को प्रेस कर दीजिए ऑल्ट प्लस ई के लिए, ऑल्ट प्लस ई प्रेस कर दीजिए और बैक स्पेस करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एक तो आपको फॉर्मेट में XML डाटा इंटर चेंज लेना आपको, ओके, और जो आउटपुट फाइल नेम है उसको हमेशा याद रखना है कि जो हम फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही फाइल इंपोर्ट करते वक्त मांगता है इस नेम को, ओके, वो कर देना है। और यहाँ पे जो चीज आपको सेटिंग चाहिए वो सेटिंग को आप यस कर लीजिएगा, बाकियों को नो कर दीजिए जो आपको नहीं चाहिए। और जो तीसरी बात, यहाँ पे सिलेक्ट वाउचर्स टू शो कि हम कौन से वाउचर चाहिए, अकाउंटिंग वाउचर चाहिए, जो कैश रिलेटिव, बैंक से रिलेटिव है, तो जो इन्वेंट्री से रिलेटिव है। हमने कहा हमें दोनों वाउचर चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं अकाउंटिंग या इन्वेंट्री से। अगर आपके मुताबिक जो चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए और एंटर मार के एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से हो गए हैं वो एक्सपोर्ट। बस इस बात का जो ध्यान रखना, अगर आपने ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट तो कर दिया है बट आपके उस टैली में उसके लेजर्स नहीं है तो वो इम्पोर्ट नहीं होगा। पहले आपको लेजर्स इम्पोर्ट करने पड़ेंगे और आइटम को, फिर उसके बाद आप एंट्रियों को एक्सपोर्ट करना, तभी वो इम्पोर्ट हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नीरज प्राइवेट लिमिटेड, F3 प्रेस करते हुए, और यहाँ से नीरज प्राइवेट लिमिटेड चॉइस कर लेनी है। तो जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले डे बुक में दिखा देता हूँ कि उसमें कितनी एंट्री की जा चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हद तक हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया गया है। और इस बात का जो ध्यान रखना कि जो हमारा साल है उस साल का भी ध्यान रखना, साल मिसमैच नहीं होना चाहिए। डाटा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 18-19 का, इंपोर्ट कर रहे हैं 17-18 में, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस बात का पीरियड का भी ध्यान रखना। इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट डाटा में जाना है, यहाँ से अब आपको लेना है वाउचर्स में। ओके, यहाँ से वाउचर्स ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है, नेम ऑफ फाइल टू बी इंपोर्ट, क्या कहा है, XML। इंपोर्ट जो डाटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ XML के फॉर्मेट में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। डे बुक लिख लेना है यहाँ पर आपको। ठीक है, डे बुक लिखने के बाद आपको एंटर मार देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं वो हो गया है इंपोर्ट। जितना कम डाटा होगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बस ये मैं सोचना कि हुआ क्यों नहीं। तो आपको जाना है डे बुक में एंट्री चेक करने के लिए कि इंपोर्ट हुई है नहीं हुई है, डे बुक में जाना है। तो जैसे देख सकते हैं कि एंट्री यहाँ से शो होने लग गई है कि जो हमने रेल अपनी प्राइवेट लिमिट से एक्सपोर्ट की थी वो नीरज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो इंपोर्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के लेजर्स, वाउचर्स, एंट्रीज या ट्रांजेक्शन को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। सो आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।